हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी विथ इंजॉय बाई एम के। और आज की इस वाली वीडियो में मैं आप सभी को पुलिस रैंक की फुल फॉर्म बताने चाहता हूं और सारी फुल फॉर्म बताऊंगा इस वाली वीडियो में आप सभी को। और पुलिस रैंक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो है इस वाले चैनल पर, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आगे भी पुलिस रैंक से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को पता होगा जो पुलिस रैंक में सबसे छोटी पोस्ट होती है वो कांस्टेबल होती है, उसके बाद सीनियर कांस्टेबल होता है, उसके बाद हेड कांस्टेबल होता है। अब उसके बाद जो होती है पोस्ट वो होती है एएसआई की, यानी कि उसकी फुल फॉर्म होती है हमारी, यहाँ फुल फॉर्म यहीं से शुरू होती है हमारी एएसआई। इसकी फुल फॉर्म होती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इससे जो ऊपर पोस्ट होती है वो होती है एसआई। एसआई की फुल फॉर्म होती है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर से जो ऊपर की पोस्ट होती है वो होती है इंस्पेक्टर। और इसमें इसे कहीं शॉर्टकट में आईएनएस भी लिखते हैं, तो इंस्पेक्टर होती है एसआई से ऊपर। फिर जो पोस्ट आती है वो होती है डीएसपी। डीएसपी की फुल फॉर्म होती है हमारी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इससे जो होती है एक पोस्ट होती है एएसपी की। एएसपी की फुल फॉर्म होती है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं और पुलिस रैंक में जाते हैं उन्हें एएसपी की पोस्ट मिलती है शुरू में, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एक पोस्ट होती है एसएचओ की। एसएचओ जो होता है थाने का हेड होता है, एक थाने का हेड होता है, और इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी स्टेशन हाउस ऑफिसर। और ये इंस्पेक्टर रैंक का ही अधिकारी होता है, लेकिन ये एक थाने का अधिकारी होता है, थाने का सबसे बड़ा हेड होता है एसएचओ। एक पोस्ट होती है एसओ। एसओ होता है एसआई रैंक का होता है। कोई छोटा अगर थाना होगा और उसका हेड होगा अगर एसआई, तो उसे हम बोलते हैं एसओ। और एसओ की फुल फॉर्म होती है हमारी स्टेशन ऑफिसर। एक पोस्ट होती है सीओ की। सीओ के अंडर में चार पांच थाने आते हैं, आसपास के जो भी थाने हैं वो सब आते हैं। और सीओ की फुल फॉर्म होती है हमारी सर्कल ऑफिसर। आपने पुलिस की गाड़ी पे कहीं कहीं लिखा भी देखा होगा सीओ। सीओ का मतलब होता है सर्कल ऑफिसर। अगर एसएचओ लिखा देखा होगा तो एसएचओ का मतलब होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगले जो है फुल फॉर्म जो है एसीपी। एसीपी की फुल फॉर्म होती है हमारी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये होती है एसीपी की फुल फॉर्म। एक पोस्ट होती है डीसीपी। डीसीपी की फुल फॉर्म होती है हमारी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। डीसीपी जो होता है बड़े बड़े महानगर होते हैं उनका जो हेड होता है वो होता है डीसीपी। एक पोस्ट होती है फ्रेंड ईएसपी। ये एएसपी अलग है, वो एएसपी अलग है। इसे कहीं कहीं हम एडिशनल एसपी भी बोलते हैं। तो एडिशनल एसपी का मतलब होता है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एक पोस्ट होती है एसपी। एसपी की फुल फॉर्म होती है हमारी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और एक पोस्ट होती है हमारी एसएसपी। एसएसपी की फुल फॉर्म होती है हमारी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी होता है और किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में केवल एसपी होता है। एसपी या एसएसपी जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं। अगर छोटा डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पर एसपी होगा केवल, और कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें होगा एसएसपी। ठीक है फ्रेंड। और एसएसपी के बाद जो आती है ऊपर पोस्ट होती है वो होती है डीआईजी। डीआईजी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीआईजी से ऊपर जो होती है वो होती है आईजी की पोस्ट। आईजी की फुल फॉर्म होती है हमारी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और इससे जो ऊपर पोस्ट होती है वो होती है डीजीपी। डीजीपी की फुल फॉर्म होती है हमारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और जो डीजीपी होता है पूरे एक स्टेट का हेड होता है। और फ्रेंड जो होता है डीजीपी और डीआईजी और आईजी, इन तीनों को स्पेशल कार दी जाती है जिस पे उनकी अलग पहचान होती है। और उनकी स्पेशल कार के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। तो ये थी पुलिस रैंक की फुल फॉर्म। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं इस तरह की जानकारी भरी वीडियो आप सभी के लिए बनाता रहूँ। तो फ्रेंड थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।